सोलन के साथ लगती पंचायत नडोह में सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। गांववासियों ने कई बार सेरी पंचायत के प्रतिनिधियों से गुहार लगाई कि उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं, लेकिन गांववासियों की बातों को बिल्कुल अनसुना किया जाता रहा, जिसे देखते हुए गांववासियों ने शिव शक्ति संस्था का गठन कर खुद ही गांव के विकास का जिम्मा उठा लिया है। सोलन के साथ लगती पंचायत नडोह में सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं है। यहाँ सड़क के नाम पर पगडंडी का प्रावधान था, जिस पगडंडी पर हमेशा अंधेरा पसरा रहता था। अंधेरे में गांव की महिलाओं का इस पगडंडी से निकलना मुश्किल हो गया था। यहाँ तक कि कई बार चोरी और छीना झपटी की वारदातें भी इस पगडंडी पर पेश आने लगी थी। लेकिन इन घटनाओं के बाद भी सेरी पंचायत के प्रतिनिधियों ने कोई भी उचित कदम नहीं उठाए। यहां तक कि गांववासियों ने कई बार सेरी पंचायत के प्रतिनिधियों से गुहार लगाई कि वे उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाएं, लेकिन उनकी बात को प्रतिनिधियों ने बिल्कुल अनसुना कर दिया। इसे देखते हुए सभी गांववासियों ने शिव शक्ति संस्था का गठन किया और खुद ही गांव के विकास का जिम्मा उठाया। इस मौके पर गांववासियों ने कहा कि वे अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को कई बार गांववासियों को पेश आ रही परेशानियों से अवगत करवा चुके हैं, लेकिन उन्होंने उनकी हर बात को अनसुना कर दिया है, इसलिए उन्होंने खुद ही गांव के विकास का जिम्मा उठाया है। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले ही उन्होंने पगडंडी को साफ कर उसे चलने लायक बनाया, लेकिन क्योंकि पगडंडी में रात को घना अंधेरा रहता है, अंधेरे की वजह से अवांछित घटनाओं से बचने के लिए अब सभी गांववासियों ने मिलकर पैसा एकत्रित किया और स्ट्रीट लाइटों को लगाया जा रहा है, ताकि सभी गांववासी बिना किसी डर के आ जा सकें और असामाजिक तत्वों से सुरक्षित रहें। उन्होंने कहा कि जो बिजली का बिल आया करेगा उसे भी गांववासी देने को तैयार हैं। मतलब हमारे मोदी जी का जो सपना है, मतलब भारत को एक डिजिटल इंडिया बनाने का, उसी के उसमें हम जो है सहयोग करना चाहते हैं कि अपने गांव से मतलब है शुरुआत करना चाह रहे हैं। सबसे पहले जो हमने इसमें लाइटों का प्रबंध कराया है और उसके बाद जो है सीसीटीवी कैमरा लगाने की मतलब सबके सहयोग से योजना बनाई जा रही है। 18-20 साल हमें यहां पे रहते हो गए हैं, पर यहां पे रास्ते में लाइटों का कोई प्रावधान नहीं था और अंधेरे में बड़ी ही दिक्कत होती थी। लेडीजें क्या, जेंट्स बच्चे जो भी आते हैं, तो यहाँ पर हमें बड़ा डर लगता था। और अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पे चोरी की भी एक घटना सामने आई, तो हमने काफ़ी बार पंचायत में भी गए थे पर पता नहीं हो नहीं पाया। तो ये सारे गांव ग्रामवासियों और शिव शक्ति लोक कला मंच ने मिलके ये चाह के लाइटें लगाएं। ये हमने 8 लाइटें लगी है ऊपर से निचली सड़क तक, और इसमें 25-30 हजार के करीब खर्चा आ चुका है, जो सब ग्रामवासियों ने मिलके किया है। यहाँ पंचायत की तरफ से कोई काम नहीं हुआ है। लाइटें हम बार बार हम जा करके बोलते रहे हैं लाइटों के लिए। रातों को हम लोग चलते हैं तो हम लोग यहाँ सुरक्षित नहीं थे, और इसको देखते हुए महिला सुरक्षा, बच्चों की, सबकी सुरक्षा को देखते हुए लाइटें लगाई गई हैं यहाँ। रास्ते में एक तो परेशानी आती थी, कैसे एक पिछले दिन भी कुछ यहाँ एक महिला थी, उनका पर्स उड़ाया गया, रात्रि को छीना भी गया और पीछे दौड़े भी, परंतु शक्ल नहीं दिखी तो पता नहीं लगा कि कौन था व्यक्ति, इसलिए जो लाइटें लगवाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, सोलन।